हेलो दोस्तों, मेरा नाम समीक्षा है और आज हम दो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिनसे हम बोयेंसी एवं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में जान पाएंगे। अरे चिंता ना करिए, हमें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे सेटअप की आवश्यकता नहीं होगी। हमें सिर्फ एक छोटा बोतल, एक पानी से भरा हुआ बोल, एक वेइंग मशीन एवं एक इलास्टिक की ज़रूरत होगी। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक खाली पानी की बोतल ली है, इसमें पानी नहीं है और बोल में कुछ पानी लिया हुआ है। बोतल पूरी खाली है, ध्यान से देखिए, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। अब मैं इस बोतल को पानी के बोल में डालूँगी और फिर उसे छोड़ दूँगी। फिर हम देखेंगे कि क्या होता है जब मैं बोतल को छोड़ देती हूँ। ध्यान से देखिएगा कि जब मैं बोतल को छोड़ती हूँ तो बोतल किस दिशा की ओर आता है। बोतल ऊपर की तरफ आ रहा है, यह बोयेंसी की वजह से होता है। बोतल के ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो कहलाता है अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स। इसे बेहतर तरीके से जानने के लिए चलिए हम वीडियो को फिर से स्लो मोशन में देखते हैं, उसी सेक्शन को जहाँ पे बोतल ऊपर आ रहा है। ध्यान से देखिएगा कि बोतल पे कितने मात्रा में प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ से। पानी बोतल पे फोर्स डाल रहा है ऊपर की तरफ। क्या आपने देखा? चलिए अब हम दूसरे एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट पे हमें वही पानी की बोतल, वही बोल, एक वेइंग मशीन और एक इलास्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेगा। मैंने सेम पानी की बोतल ली है लेकिन इसमें पानी है। ध्यान से देखिए, ये पानी से पूरा भरा हुआ है। मैंने अब इसके साथ एक इलास्टिक भी लगाया है जिसका इस्तेमाल मैं इसका वजन जांच करने में करूँगी। इससे मैं इसका ढंग से वजन जांच कर पाऊँगी। चलिए चलते हैं। मैंने बोतल को वेइंग मशीन के साथ अटैच किया और अब हम इसका वजन देखेंगे कि पानी से बाहर इसका वजन कितना आता है। ध्यान से देखिएगा। इसका वजन 85 ग्राम आ रहा है, 85 ग्राम्स। अब मैं बोतल को पानी में डाल के देखूंगी कि इसका वजन कितना आता है। बोतल में पानी उतना ही है जितना पहले था। बोतल को ध्यान से ऊपर कीजिएगा और वजन लीजिएगा। बोतल पानी में डूबा हुआ होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा कि कितना वजन अब पानी के अंदर आ रहा है। थर्टी फाइव ग्राम्स, 35। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि बाहर वजन कम ज़्यादा आ रहा है और पानी के अंदर वजन कम? कहीं ये ऊपर की तरफ बोतल पे पानी का फोर्स तो नहीं जिसके वजह से वेट कम आ रहा है पानी के अंदर और पानी के बाहर ज़्यादा? हाँ जी बिल्कुल, इसी वजह से। इसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आधे तरीके से डुबाया जाता है, उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स अनुभव होता है जिसे बॉयंट फोर्स कहते हैं। इसका आविष्कार आर्किमिडीज ने बाथरूम में किया था, इसीलिए मैं बाथरूम के अंदर हूँ। हाँ जी, जब आर्किमिडीज ये सिद्धांत दे रहे थे, उन्होंने ये देखने के बाद खोजा कि नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर बहने लगता है। यह उनका यूरेका मोमेंट था, जिसका अर्थ है मैंने पा लिया। इसका इस्तेमाल
काफ़ी जगह होता है, जैसे कि शिप, सबमरीन, लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर के निर्माण में। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा।